के वीडियो की शुरुआत करने के पूर्व में आप सभी मेरे भाइयों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और चलिए बिना किसी देरी से करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। जो मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप मात्र 25,000 रुपए आपका खर्चा आएगा, और हो सकता है 25,000 तो आएगा, क्योंकि देखिए अगर आपको कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयर हायर कर रहा है तो वो आपको टिकट भी देगा और आपको जो चीजें हैं वर्क परमिट, अकोमोडेशन लेटर, यानी वो सब प्रोसेस आपका आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर करेगा। तो आप मात्र 25,000 रुपए के खर्चे में क्रोशिया पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको वो एयर टिकट भी प्रोवाइड करवाएगा आपको एम्प्लॉयर कुछ केस में, और कुछ केस में नहीं भी करा रहे हैं। तो मेरे आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मात्र आप 25,000 में क्रोशिया कैसे पहुंच सकते हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? तो ये जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। केवल आपका जो आपकी फाइल बनेगी, VFS की फाइल, डबल टिकट इंश्योरेंस, आपका डी फॉर्म वीजा और आपका VFS का अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। और आपका जो VFS की एम्बेसी, सॉरी क्रोशिया एम्बेसी की जो फीस है वो आपको भरना ही पड़ेगी। तो मात्र 25,000 रुपए के खर्चे में आप क्रोशिया पहुंच जाएंगे बिना किसी एजेंट या एजेंसी की मदद के, ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरे मित्रों, आपको सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी आप CV बनाइए और एक कवर लेटर बनाइए। जो भी आपकी स्किल है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन है या AC टेक्नीशियन है या स्टील फिक्सर है या JCB ऑपरेटर है, जो भी आपकी स्किल है, आप बहुत अच्छे शेफ हैं, आप वेटर हैं, या जो भी आपकी स्किल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी CV बनाइए। और एक चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा, आपकी जो CV है आप खुद भी बना सकते हैं। मेरे जो कुछ यूट्यूबर भाई हैं जो 5,000 रुपए CV कवर लेटर के ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चार्ज है, तो आप इस चक्कर में मत पड़िए। आपकी CV आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो आपका CV कवर लेटर आप खुद भी बना सकते हैं। अपन यूरोपास CV भी आप खुद बना सकते हैं, कवर लेटर भी आप खुद बना सकते हैं। देखिए कुछ IT प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो तो खुद पढ़े लिखे होते हैं, वो तो खुद अपनी CV बना लेते हैं। बस बात वहां की, जैसे आप पास है कोई 5th पास है, कोई 12th है, बाकी अपने पास स्किल ये होती है कि अपन प्रोफेशनल शेफ हैं, स्टील फिक्सर हैं, AC टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, या जो भी आपकी स्किल है आप उसमें माहिर हैं। तो क्या है, आपको किसी भी यूट्यूबर या किसी भी जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ लोग 5,000 भी ले रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम कह लूँ, 1-1, 2-2 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, वो केवल 5,000 में केवल आपको, इंडिया के अंदर भी ऐसे यूट्यूबर हैं 2-2 लाख सब्सक्राइबर है, वो 5-5,000 रुपए तो आपके CV कवर लेटर के लिए ले लेते हैं, तो ये बहुत गलत है। चलो ये तो उनका बिजनेस है जो भी है, वो आप लोग ही उनके पास जा रहे हैं, वो आपको फोन नहीं कर रहे कि आप हमसे CV कवर लेटर बनाइए। तो आपकी CV कवर लेटर खुद भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ठीक है? तो जब भी आपकी जो भी स्किल है, और कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं, आप चाहें तो कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस इतने भरे पड़े हैं यूट्यूब के अंदर कि आपकी CV कवर लेटर आप खुद से कैसे बना सकते हैं, फिर भी आप कंफ्यूज हो, तो कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हो, आपको 300-400-500 रुपए में भी आपकी CV कवर लेटर बना सकते हैं, तो आप उनसे बनवा लीजिए, 5,000-4,000 किसी को मत दीजिए। मेरा आगे के मेरा जो वीडियो है उसमें आप यही देखेंगे कि क्रोशिया के अंदर कौन कौन सी जॉब पोर्टल साइट्स हैं जहां पर आपका रिज्यूमे भेज सकते हैं। आप वहां पर जाएंगे तो उसमें आपको कंपनी का पूरा ईमेल आईडी वगैरह है, पूरा बायोडाटा है कि आपको, और कुछ जॉब पोर्टल्स ऐसी हैं जहां पर आपको आपकी CV क्रिएट करना पड़ेगी, आपको अपनी ईमेल आईडी के द्वारा आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपका जो भी बायोडाटा है उसके अंदर आप फिलअप करिए, तो आपकी CV उस प्लेटफॉर्म पर बन जाएगी, और जो भी आपका जॉब रिलेटेड है और उसको आप शॉर्ट लिस्ट करिए, जैसे आप कुक हैं तो कुक की जॉब को सर्च करिए, तो वहां पे आपको पूरी जॉब सर्च मिल जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, आप AC टेक्नीशियन है, तो वो सब जॉब्स आ जाएगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर भी हैं तो उसकी भी वैकेंसीज है सर, स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब की भी वहां पर एडवर्टाइजमेंट होती है, तो आप वहां पर जाकर उस कंपनी का नंबर निकालिए, ईमेल आईडी निकालिए, HR का नंबर निकालिए, और उनकी जो अगर वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, सर तो आप जो जॉब पोर्टल्स है उसके थ्रू ही आपकी जॉब ढूंढिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है क्रोशिया जॉब पोर्टल्स, और इसका इंटरफेस दिखाई देगा, आप इसको स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आएंगे तो आपको एक्सपर्ट इन क्रोशिया साइट्स दिख रही है, इसको क्लिक कीजिए, इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, फिर आपको देखिए फाइंड जॉब साइट्स इन क्रोशिया को सर्च करना है, क्लिक करना है, इसके बाद ये सा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको मोजो
पेसो नेट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कितनी प्रकार की वैकेंसीज है, कॉल सेंटर एजेंट्स, रेस्टोरेंट वर्कर, आपका देखिए मर्चेंट है, वेटर है, वेयर हाउस मैन है, आपका स्टोर कीपर है, हाउस कीपर है, मर्चेंट है, वेयर हाउस कीपर एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर है, और बहुत सारी वैकेंसीज आपको दिख रही है। देखिए लाइव में बार टेंडर है, तो मैं यहाँ पर बार टेंडर को क्लिक करके दिखा रहा हूँ। देखिए बार टेंडर, इसको आपको इंग्लिश से क्रोशन से सॉरी इंग्लिश में करना है कन्वर्ट। देखिए आप इसमें इसकी डेडलाइन भी दिख रही है कि ये वैकेंसी कब एंड हो जाएगी डेडलाइन, और इसका देखिए आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर इस क्राइटेरिया में हैं आपके, तो इस हिसाब से सीवी का आपका सीवी क्रिएट करिए और इन एजेंसीज को भेजिए। देखिए इनका bartender.com भी है, सब जो इनकी एजेंसी है यानी जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पर सब मेंशन है। और भी देखिए bartenders की बहुत सारी वैकेंसीज है देखिए इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें रहेगी इसके अंदर। मोजो पैसो जो ये जॉब पोर्टल है, इस पर आप जाइए। देखिए इसमें देखिए सब नीचे देखिए वेटर्स की आ रही है लाइन बाय लाइन। और अब मैं आपको देखिए सर्च करके बताऊंगा इसमें आगे कि आप किसी स्पेशल कैटेगरी में जो आपका इस देखिए इसमें भी मैंने वेयर हाउस मैन, मर्चेंट सब देखिए। अब इसमें हाउस कीपर की मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ जॉब पोस्टिंग। देखिए उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें आप देखिए जो दिया है पब्लिशिंग डेट दी हुई है, सब चीज़ें दी हुई है। देखिए आप इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए इनको और बहुत सारी वैकेंसीज है सर देखिए आप। और इसमें देखिए पब्लिश डेट भी है, एडवर्टाइजमेंट डेट 15/9/2023 दी हुई है। वेटर्स की जॉब है, सब जॉब्स है इसके अंदर। आपका जो भी स्किल है आप उसके हिसाब से इसको सर्च करिए, बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए मैं सर्च करके बता रहा हूँ यहाँ पर आपको सर्च बार में कि आप कैटेगरी वाइज भी आपके जॉब को सर्च कर सकते हैं। मैं अभी वेयर हाउस की जॉब देख रहा हूँ, तो देखिए वेयर हाउस की जॉब के अंदर देखिए कितने सारे आपको दिखेंगे आप जॉब्स अवेलेबल हैं। देखिए आप देखिए इसके बाद में इस टाइप से इसको कैटेगरी वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए आप मैंने वेयर हाउस का देखा है। इसमें देखिए कितनी इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है वेयर हाउस में इनकी, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, आप जॉब सर्च करिए सर्च बार में जाकर। यहाँ पर मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ लाइव में, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो आप उसके हिसाब से सर्च करिए। जैसे मैं अभी कंस्ट्रक्शन का हेल्पर का डाल के बता रहा हूँ, आप देखिए कंस्ट्रक्शन हेल्पर को जैसे ही मैं डाल रहा हूँ सर्च को क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके बाद देखिए कितनी सारी वैकेंसीज है, नहीं है कंस्ट्रक्शन हेल्पर की कोई वैकेंसी नहीं है अभी इस साइड पे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउस HVAC यानी ये आपका हीटिंग एंड जो AC इंस्टॉलर होते हैं ना, हीटिंग और आपका एयर कंडीशनिंग वाले जो जॉब रहते हैं वो, देखिए उसको सर्च करा है। देखिए आप कितना है सारे आपको रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ रेस्टोरेंट्स की भी जॉब्स है देखिए आप, तो ये सब जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप आपकी जो भी आपकी स्किल है उसके हिसाब से आपकी CV क्रिएट करिए, और इस ऐसे जॉब पोर्टल्स और भी हैं उस पर आपके आपकी जो CV है और आपका जो एक्सपीरियंस है उसका कवर लेटर बनाइए, आप सब चीज़ें मेंशन करिए, एक आपका वर्किंग वीडियो बनाइए, और इनके ईमेल्स पे इनके IDs पे जो भी इनकी साइट दी है वहाँ पर आप आपको आपकी CV भेजना है। देखिए अब मैं आपको दूसरी साइट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर जॉब पोर्टल साइट्स। देखिए पोसवा HR को मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स मिलेगी आपको। देखिए 6,760 जॉब्स हैं अभी अवेलेबल, और इसमें भी है सर्च बार में आपको देखना है। देखिए वेयर हाउस के जॉब को मैं अभी टाइप करके दिखा रहा हूँ, वेयर हाउस की जॉब है, जॉब्स नहीं है, जॉब्स है। देखिए इसमें ये बोल रहे हैं आप CV क्रिएट करिए, और देखिए पोसवा HR में देखिए आप, ये भी जॉब पोर्टल है, 6,760 वैकेंसीज है अभी ये फिलहाल यहाँ पर, ऑल कैटेगरीज है यहाँ पे भी। तो मैं अभी देखिए आपको स्टील फिक्सर की एक जो जॉब होती है कंस्ट्रक्शन में उसको सर्च करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितने सारे
जॉब्स हैं, देखिए स्टील फिक्सर के लिए कितनी कंपनियों ने दे रखे एडवर्टाइजमेंट, देखिए एलुमिनियम ग्लास स्टील DO, देखिए इनकी जॉब पोस्टिंग, इनका देखिए जो रिक्वायरमेंट है आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्रोशियन लैंग्वेज में है, देखिए ये इसको क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में इनको पब्लिश करना पड़ती है भले वो कोई सी भी जॉब हो। ये देखिए आप इसमें, और आप देखिए अब मैं बाहर आ गया हूँ आप एक्सपेक्ट इन क्रोशिया जॉब्स में, अब इसमें एक और जो जॉब पोर्टल है ये भी देखिए बहुत अच्छा जॉब पोर्टल है, इसको आप क्रोशियन इंग्लिश है तो आप इसको इंग्लिश कर लीजिए, फिर देखिए आप इसको इसमें कितनी सारी कैटेगरीज देखिए, देखिए 97 है इसमें एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन की है, सभी जॉब के सामने देखिए कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी वैकेंसी से वो लिखी है, देखिए आपको अब ट्रांसपोर्ट और इसमें देखिए मैंने करा है ट्रांसपोर्ट के अंदर, देखिए आप कितनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं ये, देखिए इसमें मैं ड्राइवर का देखिए बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन है 8/10/2023 अक्टूबर को हो जाएगा, इसमें देखिए डेडलाइन इसकी 8/10/2023, देखिए इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए इनको और क्या इनको चाहिए, ठीक है, और आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, देखिए 1200 यूरो आपको सैलरी मिलेगी, तो इस प्रकार की सब जॉब साइट्स हैं सर, आप इसको देखिए। देखिए आप वहां पर देखेंगे तो कुछ कंपनीज के फेसबुक पेज भी हैं, कुछ कंपनीज के ईमेल आईडीज हैं, तो आप वहां पर जाकर उनको अपना रिव्यू में भेजिए, आपका कवर लेटर भेजिए, और साथ में आपका मस्ट आपका वर्किंग वीडियो जरूर भेजिएगा, अगर आप प्रोफेशनल है जैसे आप कुक हैं, आप इलेक्ट्रीशियन है, आप प्लम्बर है, या जो आप स्टील फिक्सर है, एसी टेक्नीशियन है, तो आपका वर्किंग वीडियो इतना अच्छा बनाइए कि आप आपको रिप्रेजेंट कर पाए कि क्या है आप, आपके अंदर क्या काबिलियत है, तो आपको फटाफट आपका जो भी क्रोशिया के अंदर एम्प्लॉयर है वो आपको बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट करेगा, फिर आपका हो सकता है 2 से 1.5 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट आ जाएगा, अगर आपका CV सिलेक्शन हो जाता है और आपका वर्किंग वीडियो और वो जो भी कम्युनिकेशन करना है वो आपको बाय ईमेल ही होगा, तो इसमें आपको देखिए समय लग सकता है, हो सकता है 1-1.5 महीने बाद आपको रिप्लाई आए, तो कम से कम आपको ऐसा नहीं कि एक ही एम्प्लॉयर को आपकी CV भेजना है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी आपकी स्किल है आप उसके अकॉर्डिंग 10, 15, 20 या 50, 100 आप ईमेल करिए, तो आपको गारंटेड मैं बोल रहा हूँ 15 दिन 1 महीने 2 महीने में आपको गारंटेड आपको रिप्लाई आएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, और आपका जो फ्री में काम हो जाएगा तो फ्री में होगा, आपको वो एम्प्लॉयर आपको टिकट भी देगा, और केवल आपका जो खर्चा आएगा ना मात्र 25,000 रुपये बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो VFS में आपकी फाइल को सबमिशन करना है वो आपको ही करना है, तो उसका खर्चा तो आपको उठाना पड़ेगा, तो ये झूठ नहीं है कि आप 25,000 में क्रोशिया पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल सच है, आप मानिए या ना मानिए, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है आपको 1 महीने बाद एम्प्लॉयर का रिप्लाई आए, 2 महीने बाद आए, तो आपको कम से कम हर दिन 10, 5, 15 जो भी आपका जॉब रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है उसी के रिलेटेड आप अपनी CV बनाइए और उसी के रिलेटेड जॉब को आप सर्च करिए। तो आज के मेरे वीडियो से आपको जो जानकारी मिली हो तो मुझे लगता है आज का जो वीडियो होगा काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो आपके मैं सुझाव और आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा, मेरे कमेंट बॉक्स में आइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं उस कुछ जॉब पोर्टल्स की लिंक डाल रहा हूं तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बाकी इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे के आने वाले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको आपका कवर लेटर कैसे बनाना है, आपका जो डी फॉर्म वीजा है वो कैसे भरना है, आपको VFS का अपॉइंटमेंट कैसा बुक करना है, इसके रिगार्डिंग तो मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, मेरे पास रोज 1 या 2 कॉल्स आती है, कुछ मेरे भाइयों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो इंडिया के अंदर भी हो रहा है, तो मैं उनके लिए जल्दी ही ऐसे वीडियो आने वाले हैं कि कौन कौन सी कंसल्टेंसियां फ्रॉड है या एजेंट फ्रॉड है, तो आपको उनसे बचना है, तो मेरे जो अपकमिंग वीडियो रहेंगे उसमें 2-3 वीडियो ऐसे भी रहेंगे जिसमें जो मेरे भाई हैं जिन्होंने इंडिया में बैठ के क्रोशिया में अपने एम्प्लॉयर को ढूंढा है इन्हीं जॉब साइट्स पर, उनके भी वीडियो लाने वाला हूं। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कि अगर
ताकि आपको मेरे आने वाले अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे क्रोशिया चैनल पर। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा।